हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शुभ टिप्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट है उन वीडियो से जो मैं अपने चैनल पर यूजुअली करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 आइटम्स दिखाऊंगी जो मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आइटम्स वही हैं जो हमारे रेगुलर आइटम्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट मैंने उनका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन ट्राई किया जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारी हेल्थ या फिर हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। ऐसी मैंने 5 चीज़ें ट्राई की हैं, उनका ही एक मिनी रिव्यू और या फिर अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी गाइस, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस आइटम से जो मेरा फेवरेट है अमंग ऑल दीज 5 आइटम्स। इसने मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड कर दी है, काफ़ी पसंद आया मेरे को ये। एंड गाइस, दीज आर द स्ट्रॉ, ये मेटल स्ट्रॉ है जो रीयूजेबल होते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक स्ट्रॉ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड एथिना, ये मेरे को अमेजोन से ही मैंने परचेज किया है। कुछ 300 और 200 प्लस का मेरे को ये बैठा है। अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मिल जाता है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। एंड दीज आर द स्ट्रॉज, तो गाइस ऐसे सिंपल स्ट्रेट स्ट्रॉ भी है और आपको इस तरह के ऐसे स्ट्रॉ भी मिलते हैं। ये रीयूजेबल हैं एंड इजिली क्लीन कर सकते हो आप इसको। इसके साथ आपको ना इस तरह का ये ब्रश मिलता है जिससे आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप वो जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज यूज़ करते हो उनसे तो 10 times बेटर है ये। तो इस तरह का आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कॉस्टली लग सकता है बिकॉज 300 अप्रॉक्स अमाउंट देना फॉर द 3 स्ट्रॉज इज़ कॉस्टली, बट ये रीयूजेबल हैं, आपको बार बार वो प्लास्टिक के स्ट्रॉज नहीं यूज़ करने पड़ते। आप ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब मैं कोकोनट वाटर ड्रिंक कर रही थी, कहाँ मैं एक कोकोनट वाटर पी रही हूँ जो इतना हेल्दी ऑप्शन होता है, एंड उसमें मैंने प्लास्टिक का स्ट्रॉ डाल के मैं उसको पी रही थी, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप बहुत हेल्दी चीज़ ले रहे हो लेकिन आप प्लास्टिक के थ्रू उसको ले रहे हो। तो वहाँ पर से मेरे को थोड़ा सा ये हुआ, ये ऑप्शन मेरे को पता चला, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। फिर मेरे को इस पर डाउट आया दैट ये थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए इशू आ सकता है, बट जब मैंने देखा कि इसके साथ आपको ब्रश भी फ्री मिल रहा है, देन दैट वाज द मोमेंट जब मैंने तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि हाँ, फिर तो ये अच्छा ऑप्शन है। एंड जब मैंने इसको ट्राई किया, बहुत ईजी है इसको क्लीन करना, एंड ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मेरे को लगा ये। अब बात करते हैं अपने सेकेंड आइटम की, दैट इज दिस। तो जैसे कि आपको शेप से पता चल रहा होगा, ये एक हेयर टॉवल है जो हेयर्स को ड्राई करने के काम आता है, एंड ये फाइबर से बना हुआ है। ये मैंने शायद अपने पहले वीडियोज़ में भी बोला है कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे ट्राई करना है, तो मैंने इसको परचेज किया। ये मैंने 2 का सेट मंगाया है, मैंने एक निकाल लिया है, एक पैंट है। तो इस तरह का ये आता है, बिल्कुल कैप के शेप में होता है एंड बालों को ड्राई करने के काम में आता है। काफ़ी अच्छा इसका जो मटीरियल है वो है, बिल्कुल सॉफ्ट है, आपके हेयर्स पे हार्श नहीं होता। हाँ, बट मुझे ऐसा लगा कि इसका एक बेटर अच्छा ऑप्शन भी हो ले सकती थी मैं। ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ये कुछ 250 का मुझे दोनों मिल गए हैं। इसके और भी महंगे ऑप्शंस थे, शायद उनकी जो क्वालिटी होती या उनकी जो फिटिंग होती वो ज़्यादा अच्छी होती, बिकॉज इसका जो फिट है ना वो उतना अच्छा नहीं आता है। मैंने एक देखा है इस टॉवल में जो आप अपने हिसाब से, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, यू जस्ट हैव टू वेयर इट एज अ कैप, वाइल वो वाला जो ऑप्शन मैंने एक और रखा हुआ है अपनी विश लिस्ट में जो मुझे इसके बाद अब ट्राई करना है, दैट इज़ जिसमें आप खुद ऐसे रैप करके एक बटन लगाते हो यहाँ पे, जिसकी वजह से वो आपके हेड के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो ये अच्छा है, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। फाइबर का है तो नॉर्मल टॉवल से तो बेटर ही है, बट इसका और भी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है गाइस, तो आप वो ट्राई करना इफ़ आप इसको ट्राई करना चाहते हो ऐसा कुछ। ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगा मुझे, बट हाँ, क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है, इसके बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट ये चीज़ अच्छी है आपके नॉर्मल टॉवल से फॉर ड्राइंग योर हेयर्स। अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की, दैट आर दीज रीयूजेबल पैड्स। गाइज, ये ना 10 पैड्स का पैक है, इसमें 5 इंसर्टर्स हैं, मैं अभी बताऊंगी आपको इंसर्टर्स क्या हैं, एंड 3 डेट पैड्स हैं एंड 2 नाइट पैड्स हैं। प्लस इसके साथ मुझे एक वेट पाउच मिला था ब्लू कलर का, वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ, एक वो है और एक बैग है इनको स्टोर करने के लिए। ये सब चीज़ें 12 चीज़ों का पैक मेरे को मिला है 825 rupees में, अमेजोन पे ईजिली अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको इनकी खासियत बताती हूँ गाइज, ये रीयूजेबल हैं एंड ये बनाना फाइबर से बने हुए हैं, एंड बनाना फाइबर भी कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट से लिया जाता है, कोई भी ट्रीज नहीं कट किए जाते। केरला बेस्ड ब्रांड है तो वहाँ पे बनाना प्रोडक्शन अच्छा है, तो वहाँ से ये ब्रांड आती है एंड काफ़ी अच्छे इनके पैड्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इंसर्टर्स क्या हैं, किस तरह से ये पैड्स हैं। तो जो ये इस तरह के
दो बड़े पैड्स हैं ना ये वाले, ये दोनों तो आपके नाइट पैड्स हैं एंड ईजिली आप इनको लाइक ऐसे बटन होता है, आप ईजिली अपनी पैंटी पे लाइक कर सकते हो, जो नॉर्मल पैड्स होते हैं वैसे ही काम करते हैं एंड काफ़ी अच्छा इनका जो एब्जॉर्बेंस पार होती है वो है। तो दीज आर द टू नाइट पैड्स। देन ये आपके डे पैड्स हैं, तो सेम हैं, बस साइज थोड़ा छोटा है आपके नाइट पैड्स से। आपको इस तरह का सेम मिलता है आपको लगाने के लिए। देन तीन ऐसे पैड्स हैं जो आपके डे पैड्स हैं, इसके साथ ही ना आपको 5 इंसर्टर्स मिलते हैं टू मेक योर डे पैड्स मोर लाइक थिक। इस तरह से आपको ये प्लेन पैड मिलेगा, इसमें कोई भी आपको स्टिक करने का ऑप्शन नहीं है, लाइक वो बटन नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर इसको लगा सकते हो। आपका सेकेंड डे है, लाइक फ्लो ज़्यादा है, तो आप इसको इसके साथ ऐसे इंसर्ट कर दो एंड सिंपली आपका ये पैड रेडी है, जो थोड़ा सा थिक है एंड ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पार्ट के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप देखें तो, बनाना फाइबर से बना हुआ है एंड टू माई लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, ये मैंने भी पहली बार ही ट्राई की है, मुझे अच्छे लगे एंड एक अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फोर्थ आइटम की, जो मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना पसंद आएंगे, मैंने जस्ट अपने एक फ्रेंड के सजेशन पे ऑर्डर कर दिया था एंड बट जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है एंड मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। मुझे नहीं लगता मैं अपने जो हमारा डेली यूज़ वाला प्रोडक्ट है उस पर जाने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ हैंगर्स की। हम यूजुअली ऐसे प्लास्टिक के हैंगर्स परचेज करते हैं, मतलब मैं तो करती हूँ, लाइक ये बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन होता है, ज़्यादा चेंज किया तो बस इनके कलर्स चेंज कर लेते हैं। बाकी मैं ये प्लास्टिक के हैंगर्स यूज़ करती थी, बट मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप इस तरह के एक बार वुड के हैंगर्स ट्राई करो। एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, मुझे भी लग रहा था कि एक हैंगर्स में इतना पैसा क्यों डालना है, बट गाइस जो क्वालिटी आपको मिलती है ना वो ऑसम है। आपकी जो वॉर्डरोब का लुक होता है ना वो बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है एंड आपको अच्छा लास्ट करेंगे, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने भी अभी सिर्फ 8 ही हैंगर्स का सेट मंगाया है, ये 8 हैंगर्स ही मैंने मंगाए हैं, बट जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं ऑब्वियसली दोबारा ऑर्डर करने वाली हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी है, सबसे पहली चीज़ प्लास्टिक के नहीं है, वुड के बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली बेटर है। एंड जो इनकी जो ये लुक देते हैं ना, जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे कुछ 300 के पड़े हैं 8 हैंगर्स, 300 कुछ के, बट प्राइस लाइक पूरा वर्थी है बिकॉज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं अपनी फिफ्थ और लास्ट आइटम की, जो अभी होली बीती है तो मेरे को ख्याल आया कि बिल्कुल मुझे इंक्लूड करना चाहिए इसको इस वीडियो में। एंड गाइस दीज आर द गुलाल्स, ये फूल ब्रांड से आते हैं एंड एज द नेम सजेस्ट ये फूलों से बना हुआ गुलाल है, बिल्कुल नेचुरल है एंड लैब टेस्टेड गुलाल है। एंड गाइज इसमें के लिए भी ना कोई फूल तोड़े नहीं जाते, जो मंदिर में फूल होते हैं ना ये उससे गुलाल बनाते हैं, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग। एंड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, क्योंकि फूलों से बने हुए गुलाल है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने ना ये 4 का सेट मंगाया था, मुझे इस बॉक्स में आया था ये गुलाल, आप देख सकते हो फूल ब्रांड का है एंड थोड़ा सा कॉस्टली है। ये मुझे ना पूरा बॉक्स मिला है 585 रुपीज़ का, थोड़ा सा डिस्काउंट था, 500 का मिल गया था। इसके साथ इस बॉक्स में ना 4 ऐसे गुलाल थे और एक ठंडाई की छोटी सी बॉटल आई थी। 585 में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये वाला पैक मेरा बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है एंड ये एक पिंक कलर मेरा यूज़ नहीं हुआ है। इसके साथ ब्लू और येलो कलर, 2 कलर और थे, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड कॉस्ट तो आप देख ही रहे हो, लाइक कितना अच्छा है, आपको फूलों से बना हुआ गुलाल मिल रहा है, विच इज़ लाइक अ ग्रेट ग्रेट थिंग। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी अगली होली पे ट्राई करना, प्लीज़ आप खुद चेंज देखोगे, वो खुद अच्छा लगेगा ऐसा गुलाल यूज़ करके, जो आप नेचुरल चीज़ यूज़ करोगे ना, तो ऑर्गेनिक है, काफ़ी अच्छा है एंड फूलों से बना हुआ है, तो कोई रिग्रेट भी नहीं है उसको यूज़ करने में। सो यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको आप हिट कर सकते हो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना जिससे जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।